हाँ मैं दोस्तों नमस्कार, मैं रघुनाथ आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि उसी के बेसिक लेवल पे आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। बेसिक है पूरे, और इसमें देखिए एक नंबर सिस्टम का सवाल है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन क्या है, इस टाइप में आपको आएगा, कह रहा है फाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बेसिकली कह रहा है कि द गिवन नंबर, ठीक है। अगर आपको कहा दिया कि 2 और 7 के बीच में, कि मतलब आपको नेचुरल नंबर पता करना है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5, 6 और 6 तक हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम में आपको 2 और 7 के बीच में कहेगा कैसे निकाल लेंगे। वही अगर कहा जाए कि आपको 1/3 है, ठीक है, 1/3 एंड 1/2 है, इसके बीच में कहेगा कि आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको रेशनल नंबर निकालेंगे इस दोनों के बीच में, तो हम क्या कर लेंगे कि R1 मान लेते हैं, ठीक है, 1/3 आप मान लेते हैं, 1/2 कर देंगे, और ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, आधा हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के और हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 2+3 अब 2 आएगा, इस तरीके से लिखेंगे तो 5/2 क्या आ जाएगा, 6 × 2 में 2 आ जाएगा, 2 जो है यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, और भी मान लीजिए A निकालना है तो A निकाल लिए, रेशनल नंबर, ठीक है, या रियल नंबर, ये हो गया आपका। अगर P/Q के फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। वही अगर यहाँ पे बोलेंगे कि क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है, तभी हम पहचान पाएंगे कि क्यू यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, आपको दिया रहेगा P/Q के रूप में, और यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे रेशनल नंबर हो पाएंगे, ठीक है। और रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, जो भी होगा तो प्राइम नंबर के फॉर्म में होगा, क्लियर। और यहाँ पे अगर कहा जाए रूट है, जैसे में √3, √5, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, अभी प्राइम नंबर है, और रूट में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए एक चीज और देखते हैं कि मान लीजिए कि 0.1 क्या है, 1/8 है, ठीक है, इसको आपको करेगा कि रेशनल नंबर बदले, ठीक है, रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में आपको बदलना है, तो आप क्या करिएगा, तो आप यहाँ देखिए इस तो इजी है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 18/ क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको कैंसिल करने वाला है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो 9 आएगा, और यहाँ पे 50 आएगा, तो यहाँ पे आगे 9/50, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, और मैं डिटेल में इसको बता रहा हूँ, मतलब बेसिक लेवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर 11th में है और 12th में भी है तो आपको बहुत हेल्प होगा, और अगर जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और अगर आप हमारे टीचर का नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 0.18 और यहाँ पे कुछ और दिया है, रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका वैल्यू P/Q के फॉर्म में आपको बदलना है, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, यहाँ इसको हम क्या कर लेंगे, x मान लिए, तो x इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है, डबल डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को क्या कर लेना, 1 को गुणा करना है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे 2 डिजिट मल्टीप्लाई मतलब रिपीट कर रहा है 100 से। अब मान लीजिए कि 0.2 और 3 होता ऐसे डिजिट करता, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप फिर से दूर आएगा उसको फिर से 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता हमारा यानी कि ये सॉल्व करने पाता, तब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इसी तरह से अलग अलग बनेगा, तो यहाँ पे एक्स को कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 100 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 18.18, और क्या देगा, 1818 इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग ले लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड माइनस द फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर सेकंड में से फर्स्ट कटाए तो 99x आएगा, और इतना में से अगर इतना कटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है ये सारे नंबर इस सारे नंबर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 18 माइनस में 0 हो जाएगा, तो 18 माइनस में 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो सीधा लिख सकते हैं 18.0000 आपके डॉक्टर, तो यहाँ पे ओनली 18 आ गया, क्लियर। और यहाँ पे 99 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80/19 आ गया, ठीक है, 99,
तो ये हमारा क्या हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये हो गया रेशनल। ठीक है, तो बेस प्रोसेस हम सब चार बनाएंगे और इसको डायरेक्टली बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम अगर बनाते तो कैसे बनाते हैं, एक्स इक्वल टू अगर 0.18 दिया हुआ है, इसका डबल रैपिंग है, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे कि क्या चाहिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 18 माइनस में क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो नंबर घटाएंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, ये 92 डिजिट है ना, इसीलिए 100 माइनस में क्या कर देंगे, 100 माइनस में 1 सब चेक कर देंगे। क्लियर, तो ऐसे हो जाएगा। और वही अगर मान लीजिए कि 2.31 है तो इसका ऐसे है तब क्या बनाएंगे, तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे 231 माइनस में क्या लिखेंगे 31, अब बाय लिखेंगे कितना, तो यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रोसेस से अभी देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2. मान लीजिए 5.7 है, ये आप रिपीट कर रहे हैं तो अब क्या आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा आपका 257 माइनस में 57 और बाय क्या आ जाएगा, सॉरी 7 आएगा। ठीक है, और ये 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 90 आ जाएगा, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा। अब इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मन में होगा कि एक ही प्रोसेस का कई सवाल होता है, तो इस तरीके से देखिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नंबर सिस्टम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और अगर मैम टेंथ में यहाँ से पढ़े और नहीं पढ़े तो रिवाइज कर लीजिए, और यही चीज हम आपको बता रहे हैं वही आपको कॉम्पिटिशन लेवल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस में क्या हो जाएगा, 3 रूट क्या आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 5, बाई क्या हो जाएगा, अब 4 माइनस में 3√5 हो जाएगा, कितना दिया हुआ है। अब इसको कह रहे हैं क्या चाहिए, a प्लस में और b√5 के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले इसको इसके फॉर्म बदलने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 4√3 और यहाँ पे 3√5 है, इतना है, और 4 माइनस में 3√5 है, इसको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे दिखे तो ऐसे हम डायरेक्ट रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस में माइनस है तो यहाँ पे प्लस के फॉर्म हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। ठीक है, बाय 4 और प्लस में हो जाएगा 3√5, तो यहाँ पे रेशनलाइज करने पर क्या आएगा, इसको दोनों को हॉल स्क्वायर आ जाएगा, 4 प्लस में 3√5 बाय 2 का हॉल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 देखिए ए माइनस बी और ए प्लस में बी। ठीक है, तो इसी के ए स्क्वायर माइनस में 3√5 का हॉल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3√5 का स्क्वायर तो 9545 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 × 12 = 24√5 आएगा। ठीक है, और नीचे में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और 3 × 9 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3√5 है तो 3√5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 45 आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यही होगा आंसर, और इसको छोटा कर देंगे पहले, और यहाँ पे छोटा करके तो ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 16 और 45, तो 6 × 5 = 11 और 4 × 5 और 1 = 6 और प्लस में 24√5 और बाई कितना आएगा, तो माइनस में आएगा ये 29 आएगा। ठीक है, 29 कितना आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस में 61/29 और प्लस माइनस में ये भी हो जाएगा 24/4√5 बाय कितना हो जाएगा, माइनस 29 कितना आएगा, तो ए प्लस में बी क्या आएगा, b√5 के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और भी क्वेश्चन कई होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिख लीजिए आप, अगर समझ आ रहा है तो लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर कह दें कि x बराबर में √6 है प्लस में √5 है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस में 1/x निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर x बराबर इतना रहेगा, इसलिए यहाँ पे x बराबर 1/x बराबर क्या हो जाएगा, यदि याद रखिए √6 माइनस में क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, इतना याद रखिए। अगर याद नहीं है तो देखिए आपको इसे कैसे आएगा, ये मान लीजिए कि x इक्वल टू कितना है, 1/x प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, 1/ √6 प्लस में √5। ठीक है, इसको क्या करना है, √6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइज कर दिए, यहाँ पे √5 होगा और यहाँ पे √6 और माइनस में √5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, √6 माइनस में √5 और बटे कितना आएगा, √6 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √6 माइनस में √5। ठीक है,
अब y क्या हो जाएगा, 6 माइनस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 माइनस में 5, अब y आ गया 6 प्लस 1 गया तो 1 आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 माइनस में 5 इतना आ गया, तो हमारा ये आगे कितना डबे है, इतना आ गया, तो इसलिए यहाँ पे अब x प्लस में इतना निकालना है, तो आप देखिए नीचे स्टेप में x क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस में रूट 5, और प्लस में 1 बाय x वाले कितना आएगा, और रूट में 6 और माइनस में रूट में 5, तो इसलिए रूट 5 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 रूट में 6 हो जाएगा, तो इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी सवाल है, अगर x में दिया जाएगा इतना, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 बाय x निकालेंगे तो आएगा, डायरेक्ट दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप चलिए और नेक्स्ट चैप्टर पे आप ले आते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में इतना बता दिए, और इसके साथ आप देखिए, वैसे एक और सवाल है जो कि मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है 1/1 प्लस में रूट टू, ठीक है, और प्लस में 1/√2 प्लस में रूट थ्री है, और प्लस में 1/√3 प्लस में रूट फोर है, ठीक है, प्लस में डॉट 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 ऑफ टू क्या है, तो लास्ट में 90 ऑफ टू कर दिया है, ऑफ टू 99 टर्म्स, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/ इसको स्लाइस कर देंगे, 1 प्लस में तो रूट में 2 है, ये स्लाइस करने पर क्या जाएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 1 प्लस में ऐसा कर लीजिए, जो बड़ा है ना उसको सजा के लीजिए, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे, रूट 2 प्लस में 1 कर देंगे, क्लियर, और प्लस में इसको भी ऐसे कर लेंगे, रूट 3 प्लस में रूट 2 कर देंगे, प्लस में डॉट डॉट ऐसे जो भी होगा अब तो बहुत सारा होगा, 99 टर्म तक होगा टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे रूट टू में प्लस में 1 है, रूट 2 प्लस में 1 से माइनस से और रेशनलाइज करना है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी 1/√3 प्लस में रूट 2 है, और यहाँ पे रूट 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा, और 2/√3 माइनस में रूट 2, ठीक है, रेशनलाइज तब करिएगा जब यहाँ पे देखिए ये इस साइड वाला थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, इस साइड वाला बड़ा दिखे और उस साइड वाला छोटा दिखे, तो आप उसको सजा के लीजिए, अगर प्लस में है तो सिंपल है, अगर माइनस में रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस आ जाएगा, वैसे भी माइनस आएगा, लास्ट में भी माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे सिंपल से कर दीजिए, ठीक है, इसलिए जैसे कर दिया उसको उल्टा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में तो इतना आ गया, प्लस में डॉट डॉट बहुत सारा होगा, 99 टर्म होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका स्लाइस करने पर रूट 2 आएगा, माइनस में 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस में 1, क्लियर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस में 1, और इसको भी लिख सकते हैं 1, और 1 को हटा सकते हैं नीचे वाला, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा कितना, प्लस में 1 हो गया, अब यहाँ पे रूट 3 आप माइनस में हो जाएगा रूट 2, ऐसा ही यहाँ पे इसके लिए यहाँ कितना हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा रूट 3, और यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है, रूट 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको जो भी होगा 99 टर्म्स का होगा, अब यहाँ पे देखिए ये 1 को छोड़ के ये √2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में ई वाला प्लस माइनस में कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे √4 होगा और यहाँ पे √3 होगा, अगला स्टेप के लिए, ठीक है, √4 √3 कटेगा, ठीक है, ये वाला कट जाएगा इसके साथ, और भी जो भी होगा तो लास्ट वाला कटता जाएगा इधर का, और यहाँ का फर्स्ट में जो है बच गया, माइनस में 1 बच गया है, और इधर जो बचेगा तो रूट में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से ये रूट में यहाँ पे 99 है, तो रूट में 99 ये तो कटते जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा लास्ट में 99 से 95 बचेगा, ठीक है, तो सॉरी 99 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में 99 आएगा लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे रूट में 99 आएगा, तो यहाँ पे हो गया रूट में 99 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट का आंसर, ठीक है, तो देख लीजिए, और इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आपको जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है आपका देना चाहता हूँ, बाय द वे जो मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ करिएगा, थैंक फॉर, और यहाँ पे अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या है कि आइडिया ऑफ इंटरवल है, ठीक है, आइडिया ऑफ इंटरवल, इंटरवल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, तो इस तरीके से जब आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि x का वैल्यू वो होगा जो देख 2 नहीं होगा लेकिन 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 तक होगा, ठीक है, इतना आएगा,
ये आएगा, तो हम नंबर लाइन से अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टू, और यहाँ पे दिखाएगा क्या थी सेवन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको टू नहीं लेना है और इसको क्या कर लेंगे और टू नहीं लेना है, इससे ग्यारह लेना है, इससे नौ लेना है, इससे यहाँ पे थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, इतना सारा चीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरवल में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू, टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टू दिया है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि टू नहीं लेना है, सॉरी माइनस में नहीं हो, और यहाँ पे सेवन लिखिए माइनस में, तो अभी छोटी ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखिए, इसका मतलब क्या है टू और सेवन नहीं लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे कोई इंटरवल होगा, जैसे यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू दिया है, सॉरी फाइव लेस देन इक्वल टू एक्स है, ऑनली लेस देन टेन, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स का बिलोंग्स टू हो जाएगा, सेट अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा सेट, ठीक है। पांच भी ले सकते हैं, छह भी लेंगे, सेवन भी लेंगे, एट भी लेंगे, नाइन भी लेंगे, ठीक है, पांच छह सात आठ नौ तक भी लेंगे, लेकिन दस नहीं होगा, ठीक है। अगर दस लिखेंगे तो यहाँ पे हमको ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे पांच ब्रैकेट तो बराबर है, इसलिए हमको ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बराबर लगा हुआ तो ये बराबर ब्रैकेट, अगर यहाँ पे बराबर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ऑप्शन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना जरूरी है, आप ऐसे लिखिए। फिर यहाँ पे अब मान लीजिए x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी मान लीजिए टू है, यहाँ पे टेन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x वैल्यू टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, फाइव भी होगा, सिक्स भी होगा, सेवन भी होगा, एट भी होगा, नाइन भी होगा और टेन भी होगा, ठीक है, सारे नंबर होगा। यहाँ पे हम इसलिए क्या लिखेंगे, थ्री ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू लेना, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इंटरवल समझ में आ गया होगा, इंटरवल ऐसा ही रहेगा, और अगर आपको ब्रैकेट में रहेगा एक्स बिलोंग्स टू आएगा चार समा पांच है, छोटी ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स वैल्यू जो आएगा वो चार को छोड़ के तीन और चार तीन आएगा, तीन दशमलव यानी कि तीन दशमलव पांच जो भी होगा, और चार और पांच के बीच में क्या हो सकता है एक नेचुरल नंबर के टर्म अगर लिखा जाए टू या पल्स, तो यहाँ पे देख लीजिए चार और पांच के बीच में नहीं आ पाएगा, अगर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है, आएगा तो पॉइंट में आएगा, जैसे चार दशमलव एक आएगा, फिर चार दशमलव दो आएगा, चार दशमलव पांच आएगा, समथिंग जो भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें नेचुरल नंबर की सेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ऐसा कह दे कि चार का बिलोंग्स टू चार कमा पांच है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए चार जो है बिलोंग्स मतलब यहाँ पे सेट में है कि नहीं, ये एक सेट है तो इसमें है कि नहीं, ये चार इसमें है तो होगा एक दो या पल्स, ये दो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चार बिलोंग्स टू फोर कमा फाइव है इतना है, ये सेट ये एलिमेंट तो इसमें है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक्स वैल्यू अगर कहा जाए कि मान लीजिए एक्स रखा यहाँ पे चार लगे ठीक है, तो चार नहीं लगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा इस हिसाब से कहा जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स रहेगा तो एक्स बराबर चार हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे चार रहेगा तो चार इसमें होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेट बनेगा वो बराबर अगर लगा जाता ये ठीक ब्रैकेट रहता तो होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे ले जाते हूँ आपको, जो कि आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ डिटेल है आपको जो बताता हूँ, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो भी फॉर्म होगा तो यहाँ पे एक्स प्लस में आई वाई के फॉर्म, ठीक है, जो भी फॉर्म होगा जेड इक्वल टू लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मान लीजिए जेड वन और जेड टू कोई भी होगा, मान लीजिए कि एक्स वन प्लस में आई वाई है, और यहाँ पे जेड टू जो होगा एक्स टू प्लस में आई वाई वाई टू, ठीक है, ये दोनों में हम यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, एक्स वन इज नॉट कंपेयर मतलब यहाँ पे ना बड़ा बता सकते ना छोटा बता सकते ना बड़ा बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे बड़ा छोटा कंपेयर नहीं कर सकते, अगर बराबर है तो बराबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जेड टू ऐसे याद रखिए, ठीक है, ये दोनों चीज है अलग अलग चीज है, ये दोनों जेड वन और जेड टू के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे जेड वन बराबर एक्स प्लस में आई वाई है तो जेड
जेड कंजुगेट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में आर वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कुछ, और एक चीज और याद रखिए कि आई एक क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आई बराबर माइनस में वन होता है, ठीक है, और वही अगर आई का स्क्वायर कर दे, इसका नाम होता है इमेजिनरी, आई का नाम है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, नंबर लिख दीजिए, ठीक है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, इधर देखिए आप, आई का मान होता है तो रूट में इतना माइनस वन, आई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट में रूट का स्क्वायर करेंगे तो ओनली माइनस वन आएगा, और फिर वही अगर इतना को आई के पावर थ्री कर दे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आई हो जाएगा, ठीक है, आई के पावर फोर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये चीज है आपको वो याद करना जरूरी है, ठीक है, ये चारों चीज याद रखना बहुत ईजी है, बहुत याद हो जाएगा, और मुझे लगता है याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई के पावर अगर 25 रहेगा, ठीक है, आई के पावर क्या हो जाएगा 25, देखिए आई के पावर 25 हो जाएगा तो कितना आएगा, तो आई के पावर अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 से भी कर सकते हैं, या तो आई का स्क्वायर लिख के क्या लिखेंगे, आई के पावर में 12, ठीक है, इंटू में आई, तो 12 में 24 आई 25 हो जाएगा, पावर एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर के पावर इवन इवन नंबर है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, वन, और यहाँ पे आई है आई के पावर वन तो आई हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा, ओनली आई हो जाएगा, तो आई के पावर 25 पावर क्या हो गया, आई हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ सभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, और आई के पावर में मान लीजिए 46 है, और भी कुछ कर लेते हैं, 100 मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, आई के पावर में 100 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई के पावर में, मतलब आई के पावर में 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो नहीं तो टू भी लिख सकते हैं, और इसके पावर में क्या लिखेंगे 50, 50 में 100, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये पॉजिटिव माइनस में 1 आएगा, और इसके पावर में 50 करेंगे तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे माइनस में 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 1 होगा इसका स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, 1 ही होता है, यहाँ पे क्या आएगा 50 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर आंसर, हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कॉम्प्लेक्स वाले, और आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ताकि ऐसे वीडियो में इतना ही हो लीजिए, तो आज वीडियो में थैंक फॉर वॉचिंग, ठीक है।